सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से मुस्लिम पक्षकारों को हो सकता है कि थोड़ी सी हताशा हुई होगी, इसलिए कि कोर्ट में जो दिखा पहले की सुनवाई में भी और आज भी, उसमें कहीं ना कहीं अभी भी लगता है कि इस मामले में जिस तरह से भी डिले किया जा सके। मैं अपने मन से बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुस्लिम पक्षकारों के वकील राजीव धवन ने कहा कि उन्हें सुनवाई के लिए कम से कम 20 दिन का समय चाहिए। हमारे साथ विष्णु जैन हैं, हिंदू महासभा के वकील हैं, सुनवाई में हर समय रहते हैं और इन्हीं की कही बातें हम बार बार आप लोगों को सुनाते हैं, बताते हैं कि आखिर हिंदू महासभा और हिंदू पक्षकार चाहते क्या हैं। तो पहले उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं, इस फैसले को कैसे देख रहे हो? देखिए सर, ये हम जितनी हिंदू पार्टीज हैं निर्मोही अखाड़ा को छोड़ के, जो ये मामला ये चाहती थी कि इस मामले का सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हल निकले, ये उनके लिए बहुत बड़ी जीत है। क्योंकि हमारा शुरू से एक मत रहा है कि बाबर ने जो इतिहास में किया, वहाँ भव्य राम मंदिर का विध्वंस करके बाबरी मस्जिद का निर्माण किया, आज के संवैधानिक इंडिया में सुप्रीम कोर्ट उसको अपनी कलम से रेक्टिफाई करे, और इसीलिए इस मामले का हल मीडिएशन से नहीं निकल सकता है। ये सारी बातें हम शुरू से रखते रहे और सुप्रीम कोर्ट ने आज उन बातों को मानते हुए 6 अगस्त से डे टू डे हियरिंग लगाई है। हम सुप्रीम कोर्ट के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने मामले की गरिमा को, अहमियत को, इम्पोर्टेंस को समझा, और जितनी हिंदू पार्टीज़ की भावनाएं हैं इस मामले से जुड़ी हुई हैं उन सबको मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 6 अगस्त से डे टू डे हियरिंग लगाई है, इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत आभारी हूँ। अब हमारे दर्शकों के लिए बताइए, किस डे टू डे हियरिंग का सुप्रीम कोर्ट में मतलब क्या होता है? देखिए, डे टू डे हियरिंग का मतलब ये होता है कि ट्यूसडे से थर्सडे तक इस मामले की सुनवाई की जाएगी, क्योंकि मंडे और फ्राइडे सुप्रीम कोर्ट का मिसलेनियस डे होता है। तो जितने वर्किंग कैलेंडर्स हैं 6 अगस्त से, सुप्रीम कोर्ट हर ट्यूसडे टू थर्सडे सिर्फ इसी मैटर को सुनवाई करेगी। अब एक और बात जो मैं कह रहा हूँ और मुझे लगता है कि आप भी उस पर, कि 17 नवंबर मुख्य न्यायाधीश के कार्यकाल का आखिरी दिन है, चूंकि इस मामले की सुनवाई वो कर रहे हैं, उस बेंच में सुनवाई हो रही है, तो ऐसे में 17 नवंबर के पहले फैसला, सुनवाई पूरी होगी और फैसला हो जाएगा। देखिए, ये कयास लगाना एज एडवोकेट मेरे लिए उचित नहीं होगा, पर जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद जो इस पूरी पीठ की अध्यक्षता कर रहे हैं, उन्होंने इस मामले की गरिमा और अहमियत को समझते हुए 6 अगस्त से इस मामले की सुनवाई डे टू डे बेसिस पे लगाई है, तो मुझे लगता है डेफिनेटली वो दोनों पार्टीज़ के आर्गूमेंट को कर्टेल करेंगे, कह सकते हैं कि रिटर्न सबमिशंस फाइल करिए, काफ़ी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं, कुछ अगर इंपॉर्टेंट बातें सुप्रीम कोर्ट के सामने लानी तो वही हियरिंग पे लाई जाएँ। तो किस तरह से हियरिंग आगे बढ़ेगी वो 6 अगस्त से समझ में आएगा, पर जैसे कि आपने इंडिकेट किया, ऐसा भी हो सकता है कि फैसला 17 नवंबर से पहले आए, और ऐसा भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कहे, क्योंकि अक्टूबर पूरा एक तरह से छुट्टियों में जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट दोनों हिंदू पार्टीज़ को रिक्वेस्ट कर सकती है कि दिवाली और दशहरे की छुट्टियों में इस मामले की सुनवाई की जाए। और जहां तक हिंदू पार्टीज़ का सवाल है, हमारे लिए इससे ज़्यादा खुशी और प्रिविलेज का दिन नहीं होगा कि हम दिवाली और दशहरे पर इस मामले की सुनवाई करें। हमारे साथ कृतिका जी हैं, हिंदू सनातन संस्था से हैं। कृतिका जी, आप लोगों को इंतजार है, लोगों को इंतजार था कि जल्दी से जल्दी इस मामले में सुनवाई शुरू तो कम से कम हो जाए, और अब ये तय हो गया कि सुनवाई शुरू होगी, और शुरू नहीं होगी, दिन प्रतिदिन की सुनवाई होगी। तो आपको क्या लगता है कि कितना, मतलब लोगों में इस फैसले के बाद, जो हिंदू पक्षकार हैं या जिन जो अयोध्या में राम मंदिर को बनते हुए देखना चाहते हैं, उनके लिए ये कितनी बड़ी खबर है? ये बहुत बहुत ही खुशी की बात है, बहुत प्रसन्नता का विषय है कि आज ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आया है कि इस विषय में डे टू डे सुनवाई होगी, तो ट्यूसडे से थर्सडे तक इसकी सुनवाई होगी। तो बहुत ही अच्छी खबर है, बहुत अच्छी न्यूज़ है, और सभी हिंदुओं में एक हर्ष है, और यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द राम मंदिर बनेगा, ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट आएगा। तो ये उम्मीद जो आपको है, आप कब तक अयोध्या में राम मंदिर बनते हुए देखना चाह रही हैं? जल्द से जल्द देखना चाहते हैं, सभी हिंदुओं की यही भावना है। लेकिन एक बात और बताइए, जब मामला कोर्ट में हो तो हम कैसे मान लें कि इसी पक्ष में फैसला आएगा? नहीं, हम ऐसा मान, हम उम्मीद ये ज़रूर कर सकते हैं कि राम मंदिर जल्द से जल्द बनेगा, ये उम्मीद तो सभी आज हिंदुओं को दिखाई दे रही है। आप यहाँ देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कितनी भीड़ है, आज कितना हिंदुओं में हर्षोल्लास आज हमें दिखाई दे रहा है, तो उससे यही लगता है कि जल्द से जल्द राम मंदिर आए, और सुप्रीम कोर्ट से यही उम्मीद की जा रही है। इतना ही कहना चाहूँगी, बस यही हो ही है, सो जो राम रच राखा, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, सुनवाई की तारीख तय कर दी है, फैसला क्या आएगा सुनवाई के बाद पता चलेगा, लेकिन फिलहाल हिंदू पक्षकारों को इस बात का संतोष जरूर होगा कि कम से कम लंबे समय से लंबित इस मामले पर सुनवाई के लिए कोर्ट तैयार तो हुआ, और सुनवाई रोजाना सुनवाई के लिए तैयार तो हुआ। ऐसे में उम्मीद यही कि जल्दी सुनवाई पूरी भी हो जाएगी और फैसला भी आ जाएगा। कैमरामैन अभय के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली।